पूर्व मऊगंज विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अनियमित रूप से लगाई गई नो एंट्री एवं अवैध वसूली पर लगाम लगाने की कर रहे हैं मांग। समस्याओं को लेकर 24 मार्च को होगा आंदोलन एवं चक्का जाम। आपको बता दें कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के संबंध में आज पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने कलेक्टर मनोज पुष्प से मुलाकात की। सुखेन सिंह बन्ना ने कलेक्टर को बताया कि पिपराही से जरकुर मार्ग में 15,000 से 20,000 आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। मार्ग पर भारी वाहनों के चलने से उनकी हालत दयनीय हो चुकी है। जो सड़क निर्माण कराई गई थी उस पर नो एंट्री की वजह से भारी वाहनों के चलने के कारण वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पूर्व विधायक मऊगंज ने कहा कि मऊगंज में अनियमित नो एंट्री की वजह से आमजन परेशान हो रहा है। पुलिस द्वारा नो एंट्री के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इन समस्याओं को लेकर हनुमना ब्लॉक अंतर्गत पिपराही तिराहे पर 24 मार्च को धरना एवं चक्का जाम प्रदर्शन मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पिपराही पंकज सिंह नेताम के द्वारा रखा गया है, जिसमें कलेक्टर से मांग की गई है कि वो स्वयं मौके पर पहुंचकर समस्याओं को निरीक्षण करें और मऊगंज वासियों को समस्याओं से मुक्त दिलाने के लिए जल्द से जल्द मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कराएं। आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या कहना है पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना का। ज्ञापन नहीं, कुछ सामायिक हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे, उसी सिलसिले में हमने कलेक्टर रीवा को बताने आया था। एक हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जड़कुर और पिपराही का मार्ग है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ लगभग 10,000 से 15,000 आदिवासी समाज का निस्तार है, जिससे कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग प्रताड़ित हैं, धूल से सने हुए हैं, उसको निराकरण के लिए। और दूसरी बात, नो एंट्री लगा दी गई है। नो एंट्री जायज़ है, बशर्ते इस तरीके के लगा दी गई है। जो मेरे समय पूर्व में जब मैं विधायक था तो कई रोडों का निर्माण कराया, जैसे कि आपके बहरा डावर से लेकर के पिपराही और दूसरी ये आपके घोघम से लेकर के नईगढ़ी खटखरी और इधर उधर जो है, तो कई रोडों का हमने वो करा दिया। जो रोडें इस नो एंट्री की वजह से चारों तरफ से भारी वाहन निकल रहे हैं, जिससे कि और सारी रोड ध्वस्त हो रही है। तो मैंने इससे कलेक्टर से अनुरोध किया है कि आप जो है तो इसका निराकरण कर दें, जिससे कि ये रोडों का नुकसान नहीं हो और पुलिस मनमानी तरीके से जो है तो वसूली कर रही है नो एंट्री के कारण। कहीं ना कहीं वाहन लोग मजबूरन घुसेड़ी देते हैं और सब तमाम तरह की बातें हो जाती हैं। और दूसरी बात, एक हमारे मऊगंज क्षेत्र में एक नीलेश वर्मा, उसके साथ पुलिस ने कुछ मारपीट किया, जो मुझे मोबाइल के माध्यम से संज्ञान में आया। उस बात की जो पुलिस ने अनियंत्रित रूप से उसके साथ घटना घटी, इन सब बातों को लेकर के कलेक्टर रीवा को हमने आगाह किया है। और लगभग 24 तारीख को पिपराही में कुछ हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण वहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं, इसी बात को मैं जताने आया था। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में तमाम